अस्सलाम वालेकुम, मैं ताहिर अहमद, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर से। आज मैं यहाँ एक पंचायत हल्के में हूँ, इसका नाम है मामूगुंडा, जो उटलीगाम में आता है। आज मेरी मैसेज ये है कि पीएम किसान जो पैसे हैं, प्राइम मिनिस्टर किसान निधि योजना जो है, उसमें 2-2 हज़ार रुपया जो फार्मर को डाले जाते हैं, 3 किस्तों में, एक साल में 3 किस्तों में 6 हज़ार रुपया डाला जाता है। उसमें ये है कि फार्मर की इनकम कम होती है, इसीलिए उसको हर सीज़न में 2-2 हज़ार रुपया डाला जाता है। एग्रीकल्चर में 3 सीज़न आते हैं, खरीफ और आता है रबी, उनके दो बीच में आता है एक ज़ैद। खरीफ हमारा मार्च से शुरू होता है, हमारा रबी जो अक्टूबर से शुरू होता है, और बीच में ज़ैद है जो जून जुलाई से शुरू होता है। इन तीनों सीज़न में गवर्नमेंट 2-2 हज़ार रुपया मतलब किसान को डालते हैं, इसलिए कि इसकी इनकम कम होती है, कि फार्मर को कुछ तकलीफ़ ना हो कि कल उसको बीज लाना है वो उधार ना करे, कल उसको खाद लानी है वो उधार ना करे। इसीलिए गवर्नमेंट ये पैसा 3 किस्तों में डालता है कि ये ज़मींदार मजबूर ना हो, किसी जगह उधार ना लेना पड़े। मेहरबानी करके मैं सब ज़मींदारों को जो इसका फ़ायदा लेते हैं, इस किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का, मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि ये पैसा जो है ये गवर्नमेंट खाली ज़मीन के लिए देता है। ज़मीन को आप कल आपका ज़मीन बंजर ना बन जाए, आप एक बीज के लिए तरसते ना रह जाओगे, खाद आपकी अच्छी मिले। मेहरबानी करके जो भी ये पैसा है इसको ज़मीन में लगाओ और किसी जगह मत लगाओ, कि इसको आप मतलब घर में मत लगाओ कि आपको चाय लानी हो, गैस लाना हो, ये खाली आपके ज़मीन के लिए है। आप देख रहे हो कि ज़मीन दिन ब दिन कम होता जा रहा है, क्यों, हमें पॉपुलेशन बढ़ती है, रेलवे बनता है, हमारा जो कंस्ट्रक्शन होती है, ज़मीन कम से कम होती है। इसीलिए गवर्नमेंट का ये है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ये कहता है कि कम से कम ज़मीन में ज़्यादा से ज़्यादा हमें फसल मिले। इसीलिए गवर्नमेंट ने ये सोचा है हम कैसे इस ज़मींदार को थोड़ा सा हम इसको मदद करेंगे, इसका ज़मीन अच्छा प्रोडक्शन, अच्छा पैदावार इससे मिले। बाकी मैं इतना ही आज ये मैसेज इतनी है ज़मींदारों से कि मेहरबानी करके इस पैसे को खाली इस ज़मीन में लगाओ, जो आपको बीज की कमी ना हो जाए, आपको खाद की कमी ना हो जाए। बस ये ज़मींदारों से मेरी अपील है कि जो ज़मींदार होगा उसी को ये फ़ायदा मिलेगा, जिसके पास ज़मीन नहीं होगा उसको ये फ़ायदा नहीं मिलेगा। अगर कोई ये गलत नहीं लेना चाहिए, ये पैसा गलत आदमी के पास नहीं जाना चाहिए। हाँ, जो हक रखता है इस पैसे का उसी को ये पैसा मिलना चाहिए, ख़ासकर इसमें ज़मींदार होना ज़रूरी है। बाकी वसला।